कि भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, माँ बाप के प्रति श्रद्धा, ये कभी नहीं घटने वाली है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ती ही रहनी है। मीडिया कुछ भी आरोप लगाए, वो लड़की कुछ भी बोले, आज भी मेरी बच्ची जो है वो 8 साल की है और उसको मैं शिविर में रख रहा हूँ। मैं तो मतलब मुझे श्रद्धा है और विश्वास है कि मेरी बच्ची जो है वो यहाँ पे सुरक्षित है। अगर हिंदू संभल के नहीं चले तो पूरे टूटने ही वाले हैं। फिर जैसे अंग्रेजों का पहले शासन हो गया था, अभी दूसरी जातियों का शासन हो जाएगा। अगर अभी से संभल के चलें तो अच्छा ही है। ऐसा लगता है कि हर युग के अंदर जिस तरह संतों को सताया जाता है, एक उसका ही हिस्सा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश है जिसके तहत ये बापू को परेशानी दी जा रही है। मीडिया की ट्रायल से हिसाब से दिया है, बाकी बापू तो पूरी तरह निर्दोष है। भगवान भी आके बोलेगा बापू दोषी है तो हम नहीं मानेंगे। मीडिया कुछ भी दिखता है। दूसरा, अपने संतों पे इल्जाम लगाने से अपने संतों को आगे लेना है, सब करना है। लोग जो बोलते हैं आप उनको झूठा साबित करो कि नहीं, देखो आके मिलो, इधर क्या है क्या नहीं है वो एक बार आके चेक करो। दीक्षा से पूर्व मैं पहले मांस खाता था, दारू पीता था, चोरी भी करता था और मैं कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम करता था और मुझे हिंदुत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। जब मुझे बापू जी मिले तभी मुझे हिंदुत्व का ज्ञान हुआ और जीवन कैसे जिया जाता है ये मुझे महसूस हुआ। वो गलत है, मेरे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। मेरे बापू पवित्र हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, वो षड्यंत्र है, सब गलत है। आपको क्या लगता है जो आरोप बापू जी पर लगाए गए हैं वो सब सत्य हैं? बेबुनियाद है और ये बिना कारण लगाए गए हैं और कोई उसमें सत्यता नहीं है। और बापू जी हमारे निर्दोष है, ये सारे झूठ आरोप लगाए गए हैं। बाकायदा प्लानिंग बनाई गई है बापू जी को फंसाने के लिए।